हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ संदली। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पे आपको मिलती हैं वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स। कभी हम कुछ मोटिवेशनल लोगों से मिलते हैं, कभी हम कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। हमारी बहुत सारी नई नई सीरीज अभी स्टार्ट हुई हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, अगर आप लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी विच इज़ फैशन सीरीज, जहाँ पे हम बहुत सारे फैशन रिलेटेड बातें करते हैं, कुछ स्टाइलिंग टिप्स शेयर करती हूँ मैं आपसे, कुछ स्टाइलिंग आइडियाज़ हम शेयर करते हैं। तो आज ऐसे ही एक वीडियो लेके मैं वापस आई हूँ। दिस इज़ स्टाइलिंग टिप और स्टाइलिंग आइडियाज़ वीडियो फॉर विंटर्स। सो गाइज, विंटर्स आर ऑन पीक, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन साथ में ही फेस्टिव सीजन और उसके अलावा वेडिंग सीजन भी है, शादियों का टाइम है, जो जनरली दिसंबर, नवंबर, फरवरी रहता ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप एथनिक लुक में ही स्टाइलिश लग सकते हैं विंटर्स में। बिकॉज विंटर्स में जनरली हमें एथनिक लुक पहनने में बहुत ही परेशानी होती है, बिकॉज जैकेट्स, ओवरकोट्स, हमें इन सब की आदत होती है इस टाइम पे। और एथनिक वेयर में अगर आप ये सब पहनो तो उसका मज़ा जो है वो ख़राब हो ही जाता है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आइडिया जिससे आप जो है ठंड से भी बच सकते हैं और आप स्टाइलिश भी लग सकते हैं। सो मेरा जो वन ऑफ माई फेवरेट फैब्रिक फॉर विंटर्स वो है वेलवेट। मुझे वेलवेट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, प्लस बहुत स्टाइलिश लगता है। और आजकल मुझे लगता है विंटर्स में वेलवेट का बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया है। मैं बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो मैं देखती हूँ विंटर्स में लोगों को पहने हुए, आजकल बहुत कुछ नया आ गया है वेलवेट में। सो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ वेलवेट स्टाइलिंग आइडियाज़ जो हम विंटर्स में कर सकते हैं। आप किस तरह की ड्रेसेस जो है वेलवेट फैब्रिक में आप बनवा सकते हैं या आप ले सकते हैं, जो बहुत ही इन है आजकल और बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप उसे हल्के फुल्के फंक्शन के लिए पहनी है, चाहे आप किसी वेडिंग या किसी सगन और एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए पहने। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को जितनी भी ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ सारी मेरी अपनी क्लोदिंग लाइन की है। येस, आई हैव माई ओन क्लोदिंग लाइन जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं इफ़ यू लाइक देम। इसके अलावा भी सेल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी इसी ड्रेस से, जो कि आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है वेलवेट का एक कुर्ती ड्रेस, जिसपे मैंने ये दिस इज अ कोको कोला कलर, आई डोंट नो इफ इट इज एग्जैक्टली विजिबल, थोड़ा सा ब्लैक टोन में लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत डार्क कोका कोला टाइप कलर है। और इस पे मैंने गोल्डन कलर का ये पैच लगवाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। इसके अलावा आप इसकी स्लीव देख सकते हैं, तो ये इसकी स्लीव्स हैं जो कि सुपर स्टाइलिश हैं एंड आई रियली रियली लाइक देम। सो इसका एक अपना अलग ही लुक आता है इन स्लीव्स का। सो ये हमने इस तरह से कुर्ती बनाई हुई है, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। इसको मैंने फिलहाल स्टाइल किया है स्कर्ट के साथ, बट आई टेल यू हाउ यू कैन स्टाइल इट इन अदर वे ऑल्सो। इफ यू कैन सी, मैंने इस कुर्ती को स्टाइल किया है इस तरह की स्कर्ट के साथ में, गोल्डन कलर की स्कर्ट है और इस पर भी गोल्डन सारा वर्क है, सो इट्स गोइंग वेरी वेल विद दिस कुर्ती एंड ये पूरा लुक लग रहा है बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश। अनादर टिप इज, इफ यू आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ कुर्ती और आप स्कर्ट नहीं पहनना चाहते हैं, तो आपको आप इस तरह की पैंट्स के साथ में इसको स्टाइल कर सकते हैं। गोल्डन कलर की पैंट्स पहनी है मैंने इसके साथ में और बहुत ही ज्यादा वेयरेबल है, आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन या कैजुअल आउटिंग के लिए इसको पहन सकते हैं एंड इट लुक सुपर स्टाइलिश। गाइज, मैंने अपने सेकंड लुक को भी बहुत ही सिंपल सा रखा है। आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन कलर वेलवेट कुर्ती, जिसको मैंने ये इस लेस नेक पे और स्लीव पे इस तरह की लेस लगाई है। बहुत ही सिंपल कुर्ती है, बट बिकॉज कलर इतना अच्छा है, वेलवेट फैब्रिक अपने आप में बहुत ही शाइन वाला फैब्रिक होता है, तो ये सिंपल कुर्ती है और इसको मैंने स्टाइल किया है पैंट्स के साथ। बहुत ही कैजुअल सी फंक्शन या कुछ छोटा मोटा फंक्शन या कोई कैजुअल आउटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा लग सकता है। मैंने इसको स्टाइल किया है इस तरह के एक सिंपल ईयरिंग्स के साथ, बहुत बड़े बड़े ईयरिंग्स नहीं पहने हैं बिकॉज ड्रेस सिंपल है। इसके अलावा इस तरह की बैंगल्स ली हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका फुल लुक। शॉर्ट कुर्ती एंड पैंट लुक है ये, कुर्ती की लेंथ है सिर्फ नीज से थोड़ा सा ऊपर और इसको स्टाइल किया है गोल्डन पैंट्स के साथ में एंड हियर वी हैव द फुल लुक। सो गाइज, दिस
दिस इज माय पर्सनल फेवरेट लुक क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है एंड बिकॉज इट्स अ फुल गाउन तो उसमें ठंड भी बिल्कुल नहीं लगने वाली है. और जब कभी मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनती हूँ मैं इसके नीचे वॉर्म स्टॉकिंग्स भी पहन लेती हूँ तो इट विल कीप मी वॉर्म. और इस तरह की ड्रेसेस बहुत स्टाइलिश भी लगती हैं विंटर्स में. और दिखाते हैं आपको इसका फुल लुक. सो दिस इज द फुल लुक. दिस इज अ कम्प्लीट वेलवेट गाउन फुल स्लीव्स है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मिरर्स लगवाए हैं. यहाँ पे बहुत ही ब्राइट रेड कलर है और बिकॉज इट्स फुल तो इसमें आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगने वाली एंड दिस इज परफेक्ट फॉर एनी कॉकटेल और एनी काइंड ऑफ फंक्शन. सो हियर इट इज क्वाइट हैवी एंड लुक इट इसका इतना ज़्यादा इसका घेर है एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट फॉर एनी विंटर ओकेजन. सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी. आई होप आप लोगों को ये मेरे सारे स्टाइलिंग टिप्स और आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए. मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे लिख रही हूँ. वहाँ पे आपको और बहुत स्टाइलिंग टिप्स और बहुत सारे फैशन टिप्स मिलने वाले हैं. सो मिलूंगी आपसे फिर किसी और वीडियो को लेके कुछ और नए टिप्स नए आइडियाज़ के साथ. टिल देन गुड बाय. Take care, stay safe, stay happy. Bye.